हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा शीलास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मैंगो शेक। ये एक ऐसा मैंगो शेक है जिसे हम रोटी, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खाते हैं और पीने का भी इसका अलग ही मज़ा है। यह किसी भी प्रकार से खाया या पिया जा सकता है और यह मालवा क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो शेक। इसे हिंदी में आमरस भी कहते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 आम। मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से छिलके उतार करके इनका पल्प निकाल लूंगी। हमने मैंगो को काट करके बारीक बारीक टुकड़ों में रख लिया है। इसके अलावा हमें आवश्यक है आवश्यकता अनुसार पानी, जो कि हमें आम के टुकड़ों को पीसने के काम आएगा, 2 इलायची और शक्कर। शक्कर आप जितनी लेना चाहें, मैंने 1/4 कटोरी के करीब ली है। आमरस बनाने के लिए हम आम के टुकड़ों को मिक्सी के जार में डालेंगे। यहाँ पर हम थोड़े थोड़े ही टुकड़े पीसेंगे, क्योंकि बीच बीच में गुठली रह जाती है और पानी डाल करके पीसना होता है। साथ में डालेंगे शक्कर, थोड़ी थोड़ी शक्कर डालेंगे हर बार, और थोड़ी थोड़ी सी इलायची दाने डालेंगे और पानी डाल देंगे और जार को बंद करके पीस लेंगे। इसी प्रोसेस से हम सारे आम के टुकड़ों को पीस लेंगे। हमारा आम का रस बन करके तैयार है और इसे ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला, और बीच बीच में कहीं छोटी छोटी आम की गुठली आ जाए तो इसके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह गुठलियाँ बीच में स्वादिष्ट ही लगती हैं। और अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा आम रस तैयार है और यह पूरी पराठे से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।